टुडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन इज गिवन बाय रिलेशन आर है पी क्यू द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन Further show that the set of all the points related to point P is the circle passing through P with origin as a center. तो पहले हमने क्या करना है इसको equivalence relation शो करना है फिर हमने जो points हैं 0-0 को छोड़कर सभी है वो एक circle को represent करेंगे तो आइए देखते हैं solution. Relation हमारे पास क्या है PQ मान लीजिए ओरिजिन O है तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि OP इज इक्वल टू OQ ये हमें गिवन है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए X रिलेटेड टू X खुद का खुद के साथ मान लीजिए ये ओरिजिन है ये पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है इन दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है तो ये OP है OP जो है OP के खुद के इक्वल होगा ही होगा यानी कि OP इज इक्वल टू OP दैट इज ट्रू या यूं कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ इक्वल है सो इट इज रिफ्लेक्सिव यह क्या है रिफ्लेक्सिव है आगे चलते हैं सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक में एक्स रिलेटेड टू वाई This implies y related to x. या यूं कहें OP is equal to OQ. This implies OQ is equal to OP. यानी x y के साथ y का x के साथ जो OP distance है OQ के equal OQ distance OP के equal. आप देख सकते हैं ये OQ है और ये दोनों क्या है equal है दोनों क्या है इक्वल है तो एक दूसरे के रिवर्स भी इक्वल होंगे सो इट इज सिमेट्रिक आगे चलते हैं ट्रांजिटिव के अंदर एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड दिस इंप्लाइज एक्स रिलेटेड टू जेड तो यहां देखिए जो OP है OQ के इक्वल है एंड जो OQ है ये OR के इक्वल ले लेते हैं किसके इक्वल ले लेते हैं OR के तो दिस इंप्लाइज जो OP है वो भी किसके इक्वल होगा OR के इक्वल होगा तो तीसरा पॉइंट यहां हम R ले लेते हैं R तो ये डिस्टेंस भी क्या है इक्वल ही होगा तो तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तो इट इज ट्रांजिटिव मतलब एक्स वाई के साथ रिलेट है वाई जेड के साथ तो एक्स जेड के साथ रिलेट है मतलब इक्वल है सो इट इज ट्रांजिटिव एंड हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव है तो इसको क्या बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नेक्स्ट चलते हैं फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इन द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर तो आप देख सकते हैं ये तीनों यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू जो इसका बी पार्ट मैं लिख देता हूं मतलब ओपी है वो किसके इक्वल है ओक्यू के इक्वल है किसके इक्वल है ओ आर के इक्वल है इसको लेट क्या कर ले आर क्या लेट कर ले
आर, तो रेडियस इसको ऊपर लेट कर लें, आर कॉन्स्टेंट, तो इसमें से क्या पास करेगा, एक सर्कल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक सर्कल पास कर जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर। तो सो ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। सो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज द सर्कल, इज द सर्कल। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ चुका है, मतलब एक रेडियस माने तो ये क्या होगा, सर्कल पास करता होगा जिसका ओरिजिन क्या होगा, सेंटर। ट्वेल्थ क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट दिया हुआ है ऑल ट्रायंगल्स का, रिलेशन क्या है, A1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन उसको शो करना है। कंसिडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 विद साइड 3, 4, 5 एंड विद T2 विद 5, 12 and 13 एंड T3 विद साइड 6, 8, 10, विच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान, रिलेशन हमारे पास T1, T2 दिया क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, तो ये हमारा रिलेशन है। पहला चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए x रिलेटेड टू x मींस कोई ट्रायंगल है x दैट इज सिमिलर टू x, x इज सिमिलर टू x, ये हमें रिलेशन गिवन है, T1 इज सिमिलर टू T2, तो दोनों आपस में तो सिमिलर होंगी होंगी, खुद खुद के साथ भी सिमिलर होगी, सो इट इज ट्रू एंड रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, अगर x y के सिमिलर है तो y x के सिमिलर भी होगा, x इज सिमिलर टू y, दिस इंप्लाइज y सिमिलर टू x, ट्रायंगल है x वो y के सिमिलर है, सिमिलर तो मतलब एक जैसी, तो y x के सिमिलर होगी होगी, इट इज ऑल्सो ट्रू, सो इट इज सिमेट्रिक। तीसरा चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z, ये भी बिल्कुल आसान है, x इज सिमिलर टू y एंड y इज सिमिलर टू z, दिस इंप्लाइज x सिमिलर टू z, तो सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी, एक x y के साथ सिमिलर है, y z के साथ सिमिलर है, तो x z के साथ सिमिलर होगा, तो इट मींस इट इज आल्सो ट्रू, इट इज आल्सो ट्रू, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर तीनों है तो हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दिया। आगे कंसिडर थ्री ट्रायंगल्स, T1, T1 की साइड क्या है, 3 है, 4 है और 5 है, T2 की साइड क्या है, 5 है, 12 है और 13 है, T3 की साइड क्या है, 6 है, 8 है और 10 है, तो कौन कौन सी रिलेट कर रही है, तो आप देखिए T1 और T3 की आप रेशो लेके देखिए, 3/6, 4/8 और 5/10, ये भी काट के कितना आ गया, 1/2, ये भी कितना आ गया, 1/2, ये भी कितना आ गया, 1/2, तो कौन कौन सी रिलेट कर रही है, T1 एंड T3,
T1 and T3 are related. मेरे ख्याल में ये भी समझ आ गया होगा क्योंकि इनकी रेशियो सेम नहीं आ रही, इनकी और इनकी भी नहीं आ रही, T1 और T3 की रेशियो सेम है तो ये दोनों आपस में इन सम शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स. पॉलीगन्स का एक सेट है उसके अंदर रिलेशन है P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4 and 5. तो यह दो सम है तो दोनों को पहला इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है. पहले इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे सॉल्यूशन. यहां पर सेट क्या है, सेट आर रिलेशन P1 P2 P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. तो ये हमारे पास है पहला रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए एक्स रिलेटेड टू एक्स. देखो खुद की साइड्स के इक्वल ही होंगी तो एक्स एंड एक्स रिलेटेड टू आर सो इट इज रिफ्लेक्सिव. समझ आ गई होगी. अगर हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसकी मान लीजिए 10 साइड है तो इसकी भी 10 ही है, सेम ही है तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव. सेकेंड x related to y means y related to x. x and y have same number of sides. अगर x y के साइड बराबर है तो y और x की भी बराबर होगी. y and x have same number of sides. So it is सिमेट्रिक. तीसरा पार्ट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड, दिस इंप्लाइज एक्स रिलेटेड टू जेड. ये भी पॉसिबल होगा क्योंकि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. अब x और y की मान लीजिए 10-10 है, y और z की भी 10 है तो x और z की भी क्या होगी 10. x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हेंस इट इज ट्रांजिटिव. एंड इक्विवेलेंस रिलेशन. फर्स्ट पार्ट तो पूरा हो गया. सेकेंड है ऑल एलिमेंट्स इन रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमारे पास जिसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कोई सेट है हमारे पास टी, जिसके अंदर क्या है 3, 4, 5 की राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये कहां से आई है, किस रिलेशन से आई है? तो ये आई है मान लीजिए ए से, दैट इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन. जो सभी ट्रायंगल्स हैं प्लेन के अंदर उस सेट में से ये सेट निकल के आया है, मतलब रिलेटेड है. उम्मीद है ये भी आपको समझ आ चुका है. तो आपने देख लिए हैं, समझ लिए हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.